हेलो एवरीवन, दिस इज मुकेश कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ बायोसिको। आज हम लोग जानेंगे प्रोटीन सीक्वेंसिंग के बारे में कि बेसिकली ये जो टर्म है प्रोटीन सीक्वेंसिंग क्या होता है और कैसे होता है, इसमें इसका मैकेनिज्म क्या है, किस किस प्रोसेस के थ्रू ये प्रोटीन सीक्वेंसिंग होता है और इसका जो सिग्निफिकेंस है वो बायोलॉजी फील्ड में क्या क्या है। ठीक है, सो लेट्स गिव अ हेडिंग दैट इज प्रोटीन सीक्वेंसिंग। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रोटीन सीक्वेंसिंग टर्म ये है क्या। तो प्रोटीन सीक्वेंसिंग जो ये मैकेनिज्म या मेथड होता है कि बेसिकली एक एमिनो एसिड का सीक्वेंस को डिटरमाइन करता है, उसके कन्फॉर्मेशन को डिटरमाइन करता है। सो वी कैन से दैट इट बेसिकली रिफर्स टू द मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द एमिनो एसिड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन्स और वी कैन से पेप्टाइड्स एंड एनालिसिस ऑफ दोज सीक्वेंस। जो भी सीक्वेंस को हम लोग जो भी एमिनो एसिड को सीक्वेंस को हम लोग उस पॉलीपेप्टाइड चेन से डिटरमाइन किए उसको फिर फर्दर हम लोग एनालिसिस करते हैं फॉर द मेनी बायोलॉजिकल प्रोसेस लाइक सेलुलर रिस्पायरेशन और वी कैन से फोटोसिंथेसिस। ये सब के जितने भी प्रोसेसेस होते हैं उन सारे सेलुलर प्रोसेसेस के लिए इसको हम लोग फिर एनालिसिस करते हैं। तो व्हाट इज प्रोटीन सिक्वेंसिंग? सो वी कैन से दैट प्रोटीन सिक्वेंसिंग इज बेसिकली इट रिफर्स टू अ मैथड फॉर डिटरमाइनिंग द एमिनो एसिड सिक्वेंस ऑफ प्रोटीन एंड एनालिसिस ऑफ दोज सीक्वेंस विच हैज बीन डिटरमाइंड। तो आई मीन प्रोटीन सिक्वेंसिंग मतलब बेसिकली यही है कि हम लोग क्या करते हैं, प्रोटीन सिक्वेंसिंग एक मैथड है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन में जो भी अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है उसके सीक्वेंस को डिटरमाइन करते हैं। तो सपोज करो एक अमाइनो एसिड सिक्वेंस है, प्रोटीन पेप्टाइड है, पॉलीपेप्टाइड है, जिसमें आर्जिनिन, लाइसिन, टायरोसिन, एस्पेराजिन, इस तरह करके बहुत सारे अमीनो एसिड। तो हम लोग को ये जो ये दो टर्मिनल होता है कोई भी पॉलीपेप्टाइड चेन में, वन वो एक होता है सी टर्मिनलिन और एक होता है एन टर्मिनलिन। जो एन टर्मिनलिन होता है उसको हम लोग अमाइनो टर्मिनलिन बोलते हैं, जो सी होता है उसको कार्बोक्सिलिन। तो ये एन टर्मिनलिन और ये क्या है आपका, दैट इज सी टर्मिनलिन। तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसका दो एंड है, दैट इज वन इज एन टर्मिनलिन एंड द सेकंड इज सी टर्मिनलिन। तो ये जो प्रोटीन सिक्वेंसिंग के थ्रू हम लोग ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो अमाइनो एसिड से इस पॉलीपेप्टाइड चेन में तो किस अमाइनो एसिड्स के बाद कौन सा अमाइनो एसिड प्रेजेंट है उसको हम लोग इसमें पता लगा सकते हैं। कि जैसे कि आर्जिनिन के बाद क्या है, लाइसिन। तो हम लोग को ऐसे तो पता नहीं चलेगा कि आर्जिनिन के बाद लाइसिन है कि आपका टायरोसिन है, लेकिन प्रोटीन सीक्वेंसिंग जो मेथड है उसके थ्रू हम लोग को ये नोइंग हो जाता है, वो ये हम लोग जान जाते हैं कि आर्जिनिन के बाद क्या होगा, दैट इज कौन सा अमीनो एसिड है, दैट इज लाइसिन, और लाइसिन के बाद कौन सा अमीनो एसिड, टायरोसिन। मतलब एक कौन सा अमीनो एसिड के बाद कौन सा अमीनो एसिड उस पॉलीपेप्टाइड चेन में प्रेजेंट है उसको हम लोग पता कर सकते थ्रू प्रोटीन सिक्वेंसिंग। तो इज बेसिकली वी कैन से दैट इज बेसिकली डिटरमाइन द अमीनो एसिड सिक्वेंस व्हिच इज प्रेजेंट इन पॉलीपेप्टाइड चेन। तो प्रोटीन सीक्वेंसिंग क्या है? तो प्रोटीन सीक्वेंसिंग एक मेथड है जिसके थ्रू हम लोग एमिनो एसिड सीक्वेंस को डिटरमाइन करते हैं, एमिनो एसिड सीक्वेंस इज डिटरमाइंड बाय प्रोटीन सीक्वेंसिंग। मतलब एमिनो एसिड का जो सीक्वेंस है उस पॉलीपेप्टाइड चेन में उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं थ्रू द मेथड ऑफ प्रोटीन सीक्वेंसिंग। अब हम लोग देखेंगे ये जो प्रोटीन सीक्वेंसिंग होता है ये कैसे होता है, इसका जो मैकेनिज्म है वो कैसे है, कि हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा प्रोटीन अमीनो एसिड के बाद कौन सा अमीनो एसिड उस पॉलीपेप्टाइड चेन में अवेलेबल है। तो देखो इस ये जो प्रोटीन सीक्वेंसिंग जो मेथड है, अभी हमने बताया कि ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन होता है उसमें बेसिकली दो एंड होता है, दैट इज एन टर्मिनल एंड और एक होता है आपका सी टर्मिनल एंड। एन टर्मिनल एंड मतलब ये अमाइनो टर्मिनल एंड और सी टर्मिनल एंड मतलब कार्बोक्सिलिक टर्मिनल एंड और ये अमाइनो टर्मिनल एंड। तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन में दो एंड प्रेजेंट होता है, दैट इज एन टर्मिनल एंड सी टर्मिनल। यही जो एंड है दैट इज अमाइनो टर्मिनल एंड और कार्बोक्सिलिक टर्मिनल एंड, मतलब एन टर्मिनल और सी टर्मिनल एंड, इसी दो एंड के बेसिस पे प्रोटीन सीक्वेंसिंग का जो पूरा मेथड है
वो एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है, तो कैसे देखते हैं, चलिए। तो प्रोटीन सिक्वेंसिंग, प्रोटीन सिक्वेंसिंग, ठीक है, इसमें दो टर्मिनल एंड होता है, दैट इज एन टर्मिनल एनालिसिस और सी टर्मिनल एनालिसिस। एन टर्मिनल एनालिसिस और एक होता है आपका सी टर्मिनल एनालिसिस। मतलब ये दो मेथड है, दैट इज द फर्स्ट वन इज एन टर्मिनल एनालिसिस एंड सेकेंड इज सी टर्मिनल एनालिसिस। ये दोनों के थ्रू हम लोग कोई भी प्रोटीन का सीक्वेंसिंग को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। यहाँ देखिए नाम से ही पता चल रहा है, दैट इज एन टर्मिनल ए एनालिसिस एंड सी टर्मिनल एनालिसिस। मतलब ये जो एन टर्मिनल एनालिसिस है, ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन होगा उसके एन टर्मिनल के साइड जितने भी अमाइनो एसिड्स होंगे उसको डिटरमाइन करेगा, और इस मेथड के थ्रू जो भी अमाइनो एसिड आपके सी टर्मिनल एंड की तरफ प्रेजेंट होंगे उसको ये डिटरमाइन करेगा। तो ये जो एन टर्मिनल एनालिसिस होता है ये बेसिकली क्या करता है, अमाइनो टर्मिनल एंड ऑफ पॉलीपेप्टाइड को डिटरमाइन करता है। क्या करता है, अमाइनो टर्मिनल एंड ऑफ पॉलीपेप्टाइड इज डिटरमाइंड। लेकिन अगर सी टर्मिनल की बात करें, सी टर्मिनल एंड की बात करें, तो ये क्या करता है, इज बेसिकली कार्बोक्सिल, कार्बोक्सिल दैट इज टर्मिनल एंड ऑफ पॉलीपेप्टाइड इज डिटरमाइंड। ठीक है, एक में सी टर्मिनल, एक में कार्बोक्सी टर्मिनल। इसमें जो होता है, ये जो एंड टर्मिनल एनालिसिस है, इसमें हम लोग दो मेथड्स को बेसिकली पढ़ते हैं। द फर्स्ट वन इज दैट इज सेंगर मेथड, सेंगर्स मेथड एंड सेकेंड इज सेंगर्स मेथड एंड सेकेंड इज एडमेंस मेथड, एडमेंस मेथड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत सारे एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो एन टर्मिनल एनालिसिस में हम लोग एमिनो टर्मिनल एंड पॉलीपेप्टाइड चेन को डिटरमाइन करते हैं, और किसके थ्रू, दो बाय दो मेथड इसमें है जिसके थ्रू हम लोग पॉलीपेप्टाइड चेन जो चेन में जो अमाइनो एसिड है उसको एन टर्मिनल एंड के थ्रू डिटरमाइन करते हैं। द फर्स्ट वन इज सेंगर्स मेथड एंड द सेकेंड इज एडमेंस मेथड। ये दोनों को अभी हम लोग आगे देखेंगे डिटेल में कि कैसे डिटरमाइन करता है। सी टर्मिनल एंड में बेसिकली हम लोग एक ही मेथड पढ़ते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सी पेप्टिडेज मेथड। क्या बोलते हैं, कार्बोक्सी पेप्टिडेज मेथड। ये कार्बोक्सी पेप्टिडेज मेथड क्या करता है, ये भी आपका सी टर्मिनल एंड दैट इज कार्बोक्सी टर्मिनल एंड की तरफ से अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस होता है उसको डिटरमाइन करता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि सबसे पहला मेथड दैट इज सेंगर मेथड, ये कैसे डिटरमाइन करता है कोई भी पॉलीपेप्टाइड चेन में जो अमीनो एसिड सीक्वेंस है उसको। ठीक है, तो हेडिंग देते हैं, पहला है क्या आपका, दैट इज सेंगर्स मेथड, और ये कौन सा टर्मिनल एंड को डिटरमाइन करता है, दैट इज एन टर्मिनल और वी कैन से अमाइनो टर्मिनल। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला जो इसका रिएक्शन देखें, तो इसका रिएक्शन में आता है जो इसका जो रिएजेंट होता है सेंगर्स रिएजेंट, उसको हम लोग बोलते हैं 2,4-dinitrofluorobenzene, दैट इज 2,4-dinitrofluorobenzene, ये 1, 2, 3, 4। तो फर्स्ट कार्बन पे आपका फ्लोरीन है, सेकेंड पे नाइट्रो है, सेकेंड था फोर्थ पे भी नाइट्रो है, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं 2,4-dinitrofluorobenzene।
बेंजीन, ये 2,4-डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन क्या है, ये है आपका सेंगर्स रिएजेंट, सेंगर्स रिएजेंट, सेंगर्स मेथड पढ़ रहे हैं तो ये सेंगर्स रिएजेंट है, मतलब सेंगर्स साइंटिस्ट जो थे वो आपके एक रिएजेंट दिए थे जिसके थ्रू वो एन टर्मिनल एनालिसिस को एन टर्मिनल इंडो पॉलीपेप्टाइड को एनालिसिस कर पाए। तो सेंगर्स मेथड में उसका जो रिएजेंट है, सेंगर्स रिएजेंट कौन सा है, दैट इज 2,4-डाइनाइट्रो फ्लोरो बेंजीन, ठीक है। अब इसको जब हम लोग कोई भी एक रैंडम पॉलीपेप्टाइड ले लेते हैं, तो एक रैंडम पॉलीपेप्टाइड ले लेते हैं, ठीक है, ये कोई भी एक रैंडम पॉलीपेप्टाइड है, ठीक, कोई भी एक रैंडम पॉलीपेप्टाइड चेन ले लिए जिसको हम लोग को अमीनो एसिड का सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना है कि ये इसमें कौन कौन सा अमीनो एसिड किसके बाद आता है। तो जब इस ये जो हम लोग का ये क्या है, रैंडम पॉलीपेप्टाइड है, रैंडम पॉलीपेप्टाइड, जब इस रैंडम पॉलीपेप्टाइड जो चेन है जिसका सीक्वेंस को हम लोग को फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन करना है, दैट इज सीक्वेंस नीड्स टू बी डिटरमाइंड, मतलब जिसका सीक्वेंस को हम लोग को डिटरमाइन करना है उसको रिएक्ट कराएंगे सेंगर्स रिएजेंट के साथ, दैट इज पॉलीपेप्टाइड व्हिच सीक्वेंस टू नीड्स टू बी डिटरमाइंड टू रिएक्ट विद द 2,4-डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन, दैट इज सेंगस रिएजेंट। जब उसको हम लोग सेंगस रिएजेंट्स के साथ रिएक्ट कराएंगे और ऑप्टिमम कुछ कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि पीएच 9.8, पीएच 9.8, जब पीएच 9.8 जो कि एक अल्कलाइन पीएच है, इस कंडीशन पे जब हम लोग 2,4-डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन को रैंडम पॉलीपेप्टाइड चेन जिसका सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना है उसके साथ रिएक्ट कराएंगे, तो फिर ये क्या होगा, इससे आपका जो फ्लोरीन है और इससे जो अमाइनो टर्मिनल इन पे जो हाइड्रोजन है वो दोनों यहाँ से बाहर चला जाएगा, दैट इज फ्लोरीन हाइड्राइड बाहर आ जाएगा, और ये जो रिएजेंट है और ये पॉलीपेप्टाइड ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, दैट इज ये सेम रहेगा, बस यहाँ पे ये फ्लोरीन यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो गया और यहाँ से एक हाइड्रोजन, तो ये क्या हो जाएगा, NH, ये हो जाएगा आपका NH और बाकी का पूरा रिएजेंट सेम रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये जो ये क्या बना, ये बना आपका 2,4-डाइपेप्टाइड, 2,4-डाइपेप्टाइड मतलब 2,4-डाइनाइट्रोपेप्टाइड, तो 2,4 सेकेंड पोजीशन पे भी आपका नाइट्रो है और फोर्थ पोजीशन पे भी नाइट्रो ग्रुप है, तो ये क्या बन गया, 2,4-डाइनाइट्रोपेप्टाइड, ये क्या बन गया आपका, दैट इज 2,4-डाइनाइट्रोपेप्टाइड, ठीक है। मतलब कि जब हम लोग सेंगस रिएजेंट को रिएक्ट कराएंगे द रैंडम पॉलीपेप्टाइड के साथ एट द कंडीशन ऑफ पीएच 9.8 जो कि एक अल्कलाइन पीएच है, तो वो रिएक्ट होके क्या फॉर्म करेगा, दैट इज 2,4-डाइनाइट्रो पॉलीपेप्टाइड जो कि आपका एक येलो कलर का होता है, ये किस कलर का होगा, ये होगा आपका येलो कलर का, येलो डेरिवेटिव। तो ये जो पॉलीपेप्टाइड बना 2,4-डाइनाइट्रो पॉलीपेप्टाइड, ये किस डेरिवेटिव होगा, कौन सा कैसा डेरिवेटिव होगा, तो ये होगा आपका येलो डेरिवेटिव। अब ये जो सेंगस रिएजेंट है उसको हम लोग पॉलीपेप्टाइड के साथ जोड़ दिए, अब हमको क्या करना है, ये जो सेंगस रिएजेंट का जो 2,4-डाइनाइट्रो बेंजीन था उसको हमको यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है, इसको यहाँ से हटाना है, तभी तो हम लोग को जो सिक्वेंस है वो मिलेगा। तो इसको हम लोग रिमूव करते हैं कैसे, बाय इसको एसिड और एंजाइमेटिक्स के साथ हम लोग इसको हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं इस पॉलीपेप्टाइड चेन को। तो ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसको हम लोग क्या करते हैं, इसको अगर यहां से रिलीज करना आना है तो रिलीज आइदर बाय ट्रीटिंग इट विथ
एसिड और एंजाइमेटिक एक्शन, ठीक है, एंजाइमेटिक या फिर उसको आपका जो क्या बोलते हैं एसिड के साथ उसको जब ट्रीटिंग कराएंगे तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है उसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। और जैसे ही हाइड्रोलाइसिस होगा पेप्टाइड बॉन्ड, मतलब कि पेप्टाइड बॉन्ड टूट जाएगा, दो अमीनो एसिड के सीक्वेंस के बीच जो बॉन्ड रहता है उसको हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, तो वो जैसे ही टूटेगा तो ये फिर दोनों स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा। उसके बाद इसको हम लोग फर्दर एनालिसिस करेंगे, जो भी स्ट्रक्चर मिला और इस हिसाब से हम लोग इसको आइडेंटिफाई करते जाएंगे, तो ये एक साइकिल होगा। इसी तरह करके बार बार साइकिल करते जाएंगे और हम लोग को नया एमिनो एसिड का सीक्वेंस पता चलते जाएगा। तो एक बार जैसे ये एमिनो एसिड को पॉलीपेप्टाइड पर ट्रीट किए, ये होने के बाद जस्ट अगला स्टेप में फिर अगला लेंगे, फिर ऐसे करते करते सारे एमिनो एसिड का सीक्वेंस का हम लोग को एक ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा। फिर इस सारे स्ट्रक्चर को हम लोग एसिड से या फिर एंजाइमेटिक एक्शन से फिर फर्दर हाइड्रोलाइसिस और पॉलीपेप्टाइड करा के फिर हम लोग को अपना जो रिक्वायर्ड सीक्वेंस चाहिए वो हम लोग को मिल जाएगा, जो हम लोग को आइडेंटिफाई करना था, जो हम लोग को डिटरमाइन करना था कि किस अमाइनो एसिड सीक्वेंस के बाद कौन सा अमाइनो एसिड सीक्वेंस है वो हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज सेंगर्स मेथड जो कि होता है एंड टर्मिनल एनालिसिस। अब हम लोग बात करेंगे दैट इज एडमंड्स मेथड, इसको हम लोग बोलते हैं एडमंड डिग्रेडेशन मेथड। सेकेंड क्या है, दैट इज आपका एडमंड्स मेथड। एडमंड्स मेथड ये भी आपका क्या है, दैट इज एंड टर्मिनल एनालिसिस। ठीक है, अब एडमंड्स मेथड में क्या करते हैं कि इसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं, दैट इज एडमंड डिग्रेडेशन मेथड, ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ एडमंड डिग्रेडेशन। ठीक है, एडमंड डिग्रेडेशन नाम से भी जानते हैं। तो जैसे सेंगर्स मेथड में हम लोग उसका सेंगर्स का जो रिएजेंट था वो पढ़े थे, दैट इज 2,4 डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन, उसी तरह इसका भी रिएजेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं फिनाइल आइसोथियोसाइनाइड। फिनाइल आइसोथियोसाइनाइड इसकी रिएजेंट है किसका, दैट इज एडमंड्स रिएजेंट है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली सीक्वेंस को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं, दैट इज एक जो एन टर्मिनल दैट इज सी टर्मिनल एन टर्मिनल एंड में जो भी अमीनो एसिड सीक्वेंस है उसको डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं किसको, दैट इज एडमंड्स मेथड को। और इसमें एडमंड्स डिग्रेडेशन मेथड भी के नाम से भी इसमें इसको हम लोग जानते हैं, और इसको हम लोग इसमें जो रिएजेंट यूज होता है दैट इज फिनाइल आइसोथियोसाइनाइड। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे फिर कैरी आउट करते हैं, इसके मैकेनिज्म को देखेंगे कि कैसे ये आइडेंटिफाई करता है। तो इसमें तीन स्टेप्स होते हैं, फर्स्ट वन इज लेवलिंग रिलीजिंग, ये प्रोसेस जो दो मेथड है दैट इज दो स्टेप है, लेवलिंग रिलीजिंग ये चलते रहते हैं। हम लोग आगे देखेंगे कैसे हो रहा है। तो टू स्टेप्स है, फर्स्ट वन इज लेवलिंग किससे करते हैं, तो लेवलिंग करते हैं आप तो फिनाइल आइसोथियोसाइनाइड, फिनाइल आइसोथियोसाइनाइड जो कि एडमंड्स रिएजेंट है उसके साथ हम लोग जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसको लेबलिंग करते हैं। फिर फर्दर उसको हम लोग क्या करते हैं कि जो एनहाइड्रस ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड के द्वारा फिर जो जिसको हम लोग लेबलिंग करके जोड़े थे फिनाइल आइसोथियोसाइनाइड को पॉलीपेप्टाइड के साथ, तो उसको जब हम लोग एनहाइड्रस ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड के साथ जब ट्रीट करते हैं तो वो फिर अलग हो जाता है। तो इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड स्टेप दैट इज रिलीजिंग। तो सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, रिलीजिंग कैसे होता है, दैट इज जब ट्रीट करते हैं ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड के साथ, तो ये एक्वस ट्राइफ्लोरो, तो ये रिलीज हो जाता है। अब हम लोग इसको देखते हैं डायग्राम के साथ। सपोज एक आपका पॉलीपेप्टाइड चेन है,
ये अलग अलग अमीनो एसिड सीक्वेंस है, ठीक है, ये आपका एक पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस है जिसका, ठीक है। अब हमको आइडेंटिफाई करना है कि इसका कि कौन सा अमीनो एसिड के बाद कौन सा अमीनो एसिड सीक्वेंस है, कौन सा अमीनो एसिड प्रेजेंट है। इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि जो फिनाइल आइसोथियोनेसाइनेट है उसके साथ इसको हम लोग लेवलिंग करेंगे। तो सपोज ये आपका फिनाइल आइसो थियोसाइनाइट है, ठीक है, और ये आपका है पॉलीपेप्टाइड चेन व्हिच सीक्वेंस हैज टू बी डिटरमाइंड, पॉलीपेप्टाइड चेन व्हिच सीक्वेंस हैज टू बी डिटरमाइंड, ठीक है। फिनाइल थियोआइसोसाइनेट भी मिल गया, दैट इज एडमिन्स रिएजेंट है, और फिर आपका जिस पॉलीपेप्टाइड चेन जिसका हम लोग को सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना है। तो जब ये फिनाइल आइसोथायोसाइनेट को पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ जब हम लोग जोड़ेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं लेबलिंग। तो अगला स्टेप में दोनों का लेबलिंग होगा, लेबलिंग, ठीक है, लेबलिंग किसके साथ, दैट इज फिनाइल आइसोथियोसाइनेट के साथ, फिनाइल आइसो थियोसाइनेट के साथ। तो जैसे ये फिनाइल आइसोथियोसाइनेट के साथ इस पॉलीपेप्टाइड चेन को हम लोग लेबलिंग करेंगे, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं लेबलिंग मेथड। तो जैसे ही दोनों को ट्रीट कराएंगे तो इस पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ ये जो फिनाइल आइसोथियोसाइनेट है ये जुड़ जाएगा, 3 R 4 R 5, और इसके साथ कौन जुड़ जाएगा, ये आके अटैच हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ, ये अटैच हो गया, ठीक है। तो जैसे ही अटैच होगा, अब ये अटैच हो गया, अब हमको क्या करना है, इसको रिलीजिंग कराना है। तो रिलीजिंग कराने के लिए क्या करना होगा, हमको एनहाइड्रस ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड के साथ इसको ट्रीट कराना होगा, किसके साथ, दैट इज एनहाइड्रस ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड के साथ ट्रीट कराएंगे। तो जैसे ही ट्रीट कराएंगे तो ये क्या होगा, यहां से रिलीज होगा। तो ये जो सेगमेंट है, दैट इज ये जो फिनाइल आइसोथियोसाइनेट अलोंग विद द फर्स्ट अमीनो एसिड रेसिड्यू, ये यहां से डिटैच हो जाएगा, ये यहां से अलग हो जाएगा। फिर आपको अगला स्टेप में क्या मिलेगा, तो अगला स्टेप में ये फिनाइल आइसोथियोसाइनेट along with one amino acid residue, ये अलग हो जाएगा, इसमें बचेगा R2, R3, R4 and R5, ठीक है, तो ये अलग हो गया। फिर इसका फर्दर हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर हम लोग एक्वस एसिड के साथ ट्रीट करेंगे, और ट्रीट करने के बाद इसको फिर क्रोमेटोग्राफी करेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको यहाँ से फिर अलग करना होगा, ये तो बस एक लेवलिंग का काम किया, अब इसको अलग करेंगे। तो अलग करने के लिए इसको हम लोग क्या करना है, एक्वस एसिड के द्वारा इसको ट्रीट करना है। तो इस ये जो स्ट्रक्चर है इसको जैसे एक्वस एसिड के साथ ट्रीट करेंगे, ट्रीटेड विथ एक्वस एसिड, ये स्ट्रक्चर यहां से अलग हो जाएगा, और जैसे ही अलग होगा फिर इसको हम लोग क्रोमेटोग्राफी करेंगे, जो कि एक फोटोग्राफिक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम लोग किसी का स्ट्रक्चर या सिक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ग्राफी करेंगे, फ्लोरोग्राफी करने के बाद फिर इसको हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका फर्स्ट राउंड, दैट इज सबसे पहले फिनाइल आइसोथियोसाइनेट को पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ रिएक्ट कराया, जिसको हम लोग लेबलिंग कराया, दैट इज लेबलिंग हो गया। उसके बाद फर्दर जैसे लेबल्ड हो गया फिर उसको हम लोग क्या किए, एनहाइड्रस ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड के साथ ट्रीट कराए। ट्रीट कराने के बाद क्या हो गया, ये जो फिनाइल आइसोथियोसाइनेट है along with the one amino acid residue, ये यहाँ से अलग हो जाएगा, और दोनों अलग होकर दोनों ये जो बाकी का पॉलीपेप्टाइड चेन है वो अलग हो जाएगा, और ये जो पॉलीपेप्टाइड amino acid residue binding with the फिनाइल आइसो थियोसाइनाइट वो अलग हो जाएगा। उसके बाद ये जो साइकिल है, फिर ये जो फिनाइल आइसोथियोसाइनेट अलग बाइंडेड विद द amino acid residue जो बाइंड किया हुआ है
ये यहाँ से अलग होगा, उसको फिर एक्वस एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो ये जो फिनाइल आइसोथियोसाइनेट स्ट्रक्चर है यहाँ से डिटैच हो जाएगा और जो हम लोग का अमाइनो एसिड सीक्वेंस है, अमाइनो एसिड रेसिड्यू है, वो हम लोग को मिलेगा। फिर उसको क्रोमेटोग्राफी करेंगे, फिर उसको फर्दर हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो ये हो गया आपका फर्स्ट साइकिल, फर्स्ट साइकिल। तो ये साइकिल इस तरह करके चलते जाएगा। अब हम लोग के पास बचा आर टू, आर थ्री, आर फोर, आर फाइव। तो अगला स्टेप में फिर इसको लेबलिंग करेंगे, लेबलिंग। अब जो लेबलिंग होगा वो किसके साथ होगा, दैट इज आर टू के साथ होगा, आर टू के साथ होगा। फिर इसको रिलीजिंग कराएंगे, फिर इस तरह करके ये चलते जाएगा और नया नया साइकिल में होते जाएगा। फिर आर थ्री के साथ होगा, आर फोर के साथ, आर फोर के साथ। इस तरह करके ये प्रोसेस चलते जाएगा, फर्स्ट साइकिलिंग, सेकेंड साइकिलिंग, थ्री साइकिलिंग, फोर्थ साइकिलिंग, ऐसे करके ये चलते जाएगा। ये एनहाइड्रस ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड, सॉरी, ठीक है। तो ये साइकिल इस तरह करके चलते जाएगा। इसको एक बार फिर समराइज करते हैं कि एडवांस मेथड क्या होता है। ये भी एन टर्मिनल एनालिसिस है, इसको बेसिकली हम एडमेंट डिग्रेडेशन के नाम से जानते हैं। इसमें जो रिएजेंट यूज होता है दैट इज फिनाइल आइसोथियोसाइनेट। इसमें मेनली टू स्टेप्स होता है, द फर्स्ट वन इज लेबलिंग, सेकंड वन इज रिलीजिंग। लेबलिंग अमाइनो एसिड सीक्वेंस जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसको लेबलिंग करते हैं फिनाइल, फिनाइल आइसोथियोसाइनेट के साथ। और जैसे फिनाइल आइसोथियोसाइनेट के साथ लेबलिंग हो जाता है तो इसको रिलीजिंग कराते हैं दैट इज ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड के साथ, जो कि एक होता है एनहाइड्रस ट्राइफ्लोरोएसिटिक। तो कैसे हम लोग देखें कि फिनाइल आइसोथियोसाइनेट लिए, उसको फिर जो पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसका सीक्वेंस को पता करना है उसके साथ हम लोग इसको लेबलिंग किए। जैसे लेबल हो गया, फिर जो अमाइनो एसिड जो सीक्वेंस रेसिड्यू है उसके साथ जो फिनाइल आइसोथियोसाइनेट बाइंड किया, उसको दोनों के पार्ट को हम लोग को यहाँ से रिलीज करना था। उसको रिलीज करने के लिए एनहाइड्रस ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड का यूज किए। फिर जैसे ये रिलीज हुआ, ये दोनों अलग हो गया, तो जो अमाइनो एसिड रेसिड्यू बाइंडेड विथ फिनाइल आइसोथियोसाइनेट उसको फिर हम लोग एक्वस एसिड के साथ ट्रीट किए और फिर फर्दर क्रोमेटोग्राफी करके एनालिसिस किया। तो ये फर्स्ट साइकिल हो गया, इसी तरह करके सेकंड साइकिल चलता है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, एंड ये चलते जाता है ऑनगोइंग। फिर आर टू के साथ आर थ्री, आर फोर, आर फाइव, इस तरह करके चलते जाता है। इस तरह करके हम लोग हर एक अमाइनो एसिड का सीक्वेंस को पता कर सकते हैं कि कौन सा अमाइनो एसिड के बाद कौन सा अमाइनो एसिड सीक्वेंस प्रेजेंट है उस पॉलीपेप्टाइड चेन में। तो दिस इज एडमंड्स मेथड, पहले हम लोग पढ़े दैट इज सेंगर्स मेथड, ये एडमंड्स, दोनों एन टर्मिनल एनालिसिस है। तो अब बात करेंगे हम लोग दैट इज सी टर्मिनल एनालिसिस के बारे में, जिसमें पढ़ेंगे हम लोग दैट इज कार्बोक्सीपेप्टिडेज मेथड, जो कि एक कार्बोक्सी, और वी कैन से दैट कार्बोक्सीपेप्टिडेज सी टर्मिनल एनालिसिस। सेकेंड कौन सा मेथड है, दैट इज सी टर्मिनल एंड के लिए कार्बोक्सी पेप्टिडेज मेथड। कार्बोक्सी पेप्टिडेज मेथड, ये जो कार्बोक्सी पेप्टिडेज मेथड है ये क्या है, दैट इज सी टर्मिनल एनालिसिस। ठीक है, तो कार्बोक्सी पेप्टिडेज मेथड क्या है, दैट इज सी टर्मिनल एनालिसिस। इसमें क्या होता है कि सपोज करो कि एक आपका पॉलीपेप्टाइड चेन है, एन टर्मिनल हो गया, ये आपका सी टर्मिनल। इसमें अमाइनो एसिड सीक्वेंस आपका जैसे वेलाइन, ग्लाइसिन, आर्जिनिन, ल्यूसिन, तो इस तरह करके बहुत सारे अमाइनो एसिड का सीक्वेंस प्रेजेंट है। फिर जैसे अस्पाराजिन, ग्लाइसिन, इस तरह करके एक अमाइनो एसिड सीक्वेंस प्रेजेंट है। ये हो गया आपका एन टर्मिनल एंड और ये सी टर्मिनल एंड, ये आपका पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, तो ये जो कार्बोक्सी पेप्टिडेज मेथड क्या करता है कि अमाइनो एसिड का जहाँ पे इसका एक पर्टिकुलर, इसमें तीन एंजाइम्स पढ़ेंगे दैट इज कार्बोक्सी पेप्टिडेज ए, कार्बोक्सी पेप्टिडेज बी एंड कार्बोक्सी पेप्टिडेज सी। ये क्या करता है कि जैसे कि जो एक एग्जांपल लेते हैं दैट इज कार्बोक्सी पेप्टिडेज ए, तो कार्बोक्सी पेप्टिडेज ए क्या करता है कि प्रोलिन, लाइसिन और आर्जिनिन, प्रोलिन, लाइसिन और आर्जिनिन,
ये तीन अमाइनो एसिड का सीक्वेंस जहां भी प्रेजेंट होंगे पॉलीपेप्टाइड चेन में, उस जगह को क्या करेगा, कट कर देगा, कौन, दैट इज कार्बोक्सी पेप्टिडेज ए। तो ये कार्बोक्सी पेप्टिडेज ये तीन जो अमाइनो एसिड का अमाइनो एसिड से, ये तीनों अमाइनो एसिड जहां प्रेजेंट रहेंगे उस एरिया को छोड़ के बाकी जहां भी होगा ये कट कर देगा। तो जैसे कि यहाँ पे आपका आर्जिनिन यहाँ पे है, तो इस पोजीशन को ये कट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे आर्जिनिन प्रेजेंट है, कौन, दैट इज कार्बोक्सी पेप्टिडेज सी। तो ये कार्बोक्सी पेप्टिडेज सी जो होता है वही अमाइनो एसिड को सीक्वेंस को काटेगा जहाँ पे प्रोलिन, लाइसिन और आर्जिनिन ये तीनों अमाइनो एसिड रेसिड्यू जहाँ प्रेजेंट नहीं होंगे उस जगह को ये कट कर देगा, कौन, दैट इज कार्बोक्सी पेप्टिडेज ए। ठीक है, तो सबसे पहला कार्बोक्सी पेप्टिडेज मेथड में क्या किसको पढ़ते हैं, दैट इज कार्बोक्सी पेप्टिडेज सी पेप्टिडेज ए। और ये कौन सा, ये भी सी टर्मिनल एनालिसिस है, और ये कौन सा अमाइनो एसिड रेसिड्यू को नहीं काटेगा, ये सारे को काटेगा एक्सेप्ट आपका प्रोलिन, लाइसिन एंड आर्जिनिन। तो प्रोलिन, लाइसिन, आर्जिनिन जो जहां भी प्रेजेंट होंगे आपका इस पॉलीपेप्टाइड चेन में उस जगह को छोड़ के ही कहीं भी कट कर सकता है, फिर उसको हम लोग फर्दर आइडेंटिफाई करते हैं। तो किसको किसको, दैट इज एक्सेप्ट कट, एक्सेप्ट प्रोलिन, लाइसिन एंड थर्ड इज आर्जिनिन। ये तीनों जहां प्रेजेंट होंगे उस जगह को छोड़ के बाकी पूरा पॉलीपेप्टाइड चेन में ये कहीं भी उसको कट कर सकता है, और फिर फर्दर उसको हम लोग डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, सेकेंड है दैट इज कार्बोक्सी पेप्टिडेज बी। ये कार्बोक्सी पेप्टिडेज बी क्या करता है कि आर्जिनिन और लाइसिन ये दोनों जहां प्रेजेंट होंगे वहां पे कट कर देगा, कहां पे, दैट इज जहां पे आर्जिनिन और लाइसिन प्रेजेंट होंगे। तो सेकेंड क्या है, दैट इज कार्बोक्सी पेप्टिडेज बी कहां पे कट करेगा, ये जहां पे आर्जिनिन और लाइसिन प्रेजेंट होंगे, ये दोनों अमीनो एसिड रेसिड्यू जहां पे प्रेजेंट होगा वहां पे ये कार्बोक्सी, जब उस पॉलीपेप्टाइड चेन को हम लोग उस कार्बोक्सी पेप्टिडेज बी के साथ जब ट्रीट कराएंगे तो उस जगह पे वो कट कर देगा। इससे हम लोग को पता चल जाएगा कि मान लो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसको अगर हम लोग ट्रीट कराएं दैट इज कार्बोक्सी पेप्टिडेज बी के साथ या कोई भी कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंजाइम के साथ, तो ये क्या करेगा कि जैसे कि मान लो बी से के तहत ट्रीट कराए तो अगर पॉलीपेप्टाइड चेन दो पार्ट में बढ़ गया इसका मतलब वहां पे या तो आर्जिनिन और लाइसिन प्रेजेंट होगा। इस तरह करके हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सा अमाइनो एसिड का सीक्वेंस प्रेजेंट है ऑल थ्रू द पॉलीपेप्टाइड चेन। फिर थर्ड आता है दैट इज कार्बोक्सी पेप्टिडेज सी, ये कोई भी सी टर्मिनल एनालिन पे कट कर देगा। थर्ड है आपका कार्बोक्सी पेप्टिडेज सी, इट कट्स एनी अमाइनो एसिड रेसिड्यू रेसिड्यू एट सी टर्मिनल। तो सी टर्मिनल पे कोई भी अमाइनो एसिड रेसिड्यू प्रेजेंट होगा उसको जाके ये कट कर देगा। तो दिस इज कार्बोक्सिडी पेप्टिडेज मेथड जिसमें हम लोग पढ़े कार्बोक्सी पेप्टिडेज ए के बारे में, कार्बोक्सी पेप्टिडेज बी एंजाइम के बारे में एंड कार्बोक्सी पेप्टिडेज सी एंजाइम के बारे में। जो कार्बोक्सी पेप्टिडेज ए है वो प्रोलिन, लाइसिन, आर्जिनिन ये तीनों को छोड़ के पॉलीपेप्टाइड चेन में कहीं भी कट कर सकता है, और कार्बोक्सी पेप्टिडेज बी आर्जिनिन और लाइसिन अमाइनो एसिड रेसिड्यू को छोड़ के पूरे पॉलीपेप्टाइड चेन में कहीं भी कट कर सकता है, और कार्बोक्सी पेप्टिडेज सी जो होता है वो अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस है उस पे ये उसको कोई भी अमाइनो एसिड का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो कहीं भी कट कर सकता है सी टर्मिनल एंड पे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग के इसका जो सिग्निफिकेंस क्या है, दैट इज ये प्रोटीन सीक्वेंसिंग जो हम लोग कर रहे हैं उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो उसका सिग्निफिकेंस क्या बात करें तो इसका सिग्निफिकेंस है सिग्निफिकेंस, इसका मेनली सिग्निफिकेंस पहला है कि ये सेलुलर प्रोसेस को स्टडी करने के लिए हेल्प करता है, रिस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस, जितने प्रोसेस है उसको आपका स्टडी करने के लिए रोल हेल्प करता है,
और सेकंड चीज ये भी कोई भी प्रॉपर्टीज हो कोई चीज का, या कोई भी सेलुलर पार्ट का प्रॉपर्टीज, उसका बायोलॉजिकल फंक्शन, ये इवोल्यूशन, ये सब चार चीजों को हम लोग को नॉलेज देता है। इस सारे चीजों का कॉन्सेप्ट है उसको अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करता है। दैट इज किसको, दैट इज बायोलॉजिकल फंक्शन हो गया आपका, स्ट्रेस हो गया, इवोल्यूशन हो गया, फिर प्रॉपर्टीज, बायोलॉजिकल प्रोसेस, प्रोसेस, कोई भी चीज सेल का या फिर कोई पार्ट का प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज, स्ट्रेस, इवोल्यूशन, ये सारे जो प्रोसेसेस होते हैं सेल के इनसाइड, उन सारे चीजों को ये अंडरस्टैंडिंग करने में प्रोटीन सीक्वेंसिंग हेल्प करता है। क्योंकि जो डीएनए सीक्वेंसिंग होता है वो थोड़ा टफ हो जाता है करना, इसीलिए जो साइंटिस्ट होते हैं वो बेसिकली प्रोटीन सीक्वेंसिंग करके जो सेल का बिहेवियर है कोई पर्टिकुलर सेल का, या फिर उसका जो प्रोसेसेस है, उसका मैकेनिज्म है, उसको अंडरस्टैंडिंग करने में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उसका जो कन्फॉर्मेशनल स्ट्रक्चर है, कन्फॉर्मेशनल जो सिक्वेंस है, उसको पता करके हम लोग उसको फिर फर्दर स्टडी करते हैं और उसके बारे में नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रोटीन सिक्वेंसिंग। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।